हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान 10 मार्च का दिन कांग्रेस बीजेपी और जेजेपी के लिए किसी बोर्ड परीक्षा की घड़ी से कम नहीं है, क्योंकि इस दिन कांग्रेस पार्टी हरियाणा की गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने वाली है। इसके लिए बकायदा कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को सदन में उपस्थित रहने की हिदायत दी है। वहीं बीजेपी और जेजेपी ने भी व्हिप जारी करते हुए अपने सभी विधायकों को सदन में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस खेल में किसके हाथ बाजी लगती है। पूरी तरह से हम कामयाब होंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये है सदन पटल के ऊपर जो वोटिंग होगी वो दिखाने के लिए कि अलग अलग स्वर के अंदर जो सरकार के मंत्री और विधायक जो बात करते हैं, असलियत इनकी क्या है, ये किसानों के पक्ष में हैं या किसानों के विरुद्ध में हैं, तो वो सामने आ जाएगा। और उसके बाद जो है फिर जनता अपने आप सुलटेगी इनको, ये कल देखेंगे क्या होता है, क्या करते हैं और क्या नहीं करते, क्योंकि असलियत जो है वो जनता का दरबार है और कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कल हरियाणा के अधिकतर विधायकों के चेहरों से नकाब उतर जाएंगे और पता लग जाएगा कि किसानों के साथ कौन और सरकार के साथ कौन खड़ा है। वी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कुमार रमेश की रिपोर्ट।